हेलो टेक्निकल आर्मी, मेरा नाम है मेहुल और मैं बात कर रहा हूँ द टेक्निकल मैन नामक चैनल से। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि हमारा चैनल सबसे ऊपर हो, मतलब सबसे ज़्यादा वीडियो देखा जाने वाला हो। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आपको पता ही है कि शुरुआत में थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। हमारा चैनल ग्रो नहीं करता है, हमारा वीडियो कोई देख नहीं रहता है, क्योंकि जो पुराना चैनल का वीडियो है वही पूरा देखा जाता है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको ऐसा होता है कि आपका कोई एक वीडियो वायरल होता है। अगर आपने 10-15 वीडियो डाला है तो आपको आपका वो वाला वीडियो में कभी ना कभी एक व्यू तो थोड़ा सा व्यू तो आ ही जाते हैं, मतलब जो सबसे आपकी सभी वीडियो से सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक प्रॉब्लम होती है, कभी कभी क्या होता है कि वो अचानक सडनली वो जो ट्रेंड चलता है तब तक वीडियो चलता है, लेकिन सडनली वो स्टॉप हो जाता है, मतलब उसमें व्यू आना कम हो जाता है और जो हमारा वॉचिंग टाइम है, आवर्स टाइम है, वो कम हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो फिर से वो वीडियो कैसे गेन करे, मतलब कैसे आप सर्चिंग में आए। दोस्तों, वही इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा और वीडियो को प्लीज स्किप ना करें। तो दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि वो कैसे करना है। दोस्तों, जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं उसमें आपको पता ही होगा कि तीन चीज कंपलसरी डालनी रहती है, एक तो टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग। वो आपको पता ही होगा कि वो तीन चीज़ कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं, वीडियो को फिर से सर्चिंग में कैसे लाए उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी पुरानी वीडियो है, मतलब जो वीडियो चल रही थी और सडनली बंद हो गई, उसमें व्यू कम आना हो गया है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको देखना है उसमें कितने व्यू आए। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, आपने उस जितना भी व्यू हुए आप उसको क्या करिए, आपको जो थंबनेल है उसमें आप डाल, फिर से नया एडिट करके उसमें डाल दीजिए कि भाई इतना व्यू हुआ है। मतलब मान लीजिए कि आपको 700 800 1K 2K 3K व्यू हुआ है, तो आप डाल दीजिए कि ये वीडियो 3K बार देखा गया है, या फिर इसमें डाल दीजिए कि कोई ये वीडियो 2020 की है, या फिर कोई भी आप अपडेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसको एक बार फिर से आपकी ये वीडियो नोटिफिकेशन में जाएगी, मतलब उसको ये वीडियो YouTube क्या उसको एक बार फिर से कंप्लीट बताएगा उसको कि देखिए ये बंदे ने उसमें वीडियो में थोड़ा सा अपडेट डाला हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आपको वीडियो फिर से सर्चिंग में आएगी। जिन जिन लोगों ने आपका वही वीडियो देखा है, मतलब कोई और वीडियो देखा है, तो उसको क्या होगा, फिर से वो वीडियो सर्चिंग में आएगी और फिर से उसमें व्यू बढ़ेगा। आपको क्या करना है, हर 3 दिन 4 दिन 5 दिन, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपके वीडियो फिर से डाउन हो गई है, ओवर टाइम डाउन हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, आपको फिर से उसमें एडिट करना है, या तो टैगलाइन एडिट करना है, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ चेंजेस करना है, या फिर आपके जो ये टाइटल रखा है टाइटल में थोड़ा सा चेंजेस करना है। आप जैसे ही चेंजेस करते रहेंगे तो आपकी वीडियो फिर से उसके लिए नोटिफिकेशन में जाता रहेगा और आपके व्यू बढ़ता रहेगा। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि फिर से वीडियो गेन लाने के लिए क्या करते हैं, मतलब जो हमारी वीडियो पुरानी है जो बहुत चल रही थी और सडनली बंद हो गई है, उसमें हम फिर से व्यू ला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि आप चेंजेस क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको चेंजेस करना है तो आप अपने टैग चेंज बदल सकते हैं। मान लीजिए आपने 3 महीने पहले की जो वीडियो डाली है और नए जो वीडियो आ रही है, तो YouTube की पॉलिसी के बारे में आपने बताया है, तो YouTube की पॉलिसी में आपको क्या होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल मिस हो जाती है, तो आपको क्या करना है, वही आपको फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल देना है। कुछ भी डाल सकते हैं आप, टैग या किसी और का देख के डाल सकते हैं, या मान लीजिए आपने पहले कभी वो टैग डालना चाहता था लेकिन नहीं डाल सके, तो फिर आप अभी टैग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे करेंगे तो आपका वीडियो फिर से सर्चिंग में आएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको पूरी नॉलेज आ गई हो। और दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि टैग कैसे डाले, तो मैं दोस्तों इसके लिए मैंने एक और वीडियो बना रखी है, आई बटन में आपको दिख जाएगी। आप किसी का भी टैग देख सकते हैं, मान लीजिए टेक्निकल गुरुजी का, या केरी मिनाटी का, या फिर भुवन बाम का, किसी का भी आप टैग देख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी का भी टैग देखने के लिए और उसके टैग को कॉपी करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, पर्टिकुलर आप वीडियो देख सकते हैं। और सब दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।